ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एक SOP जरूरी है। कमेटी को SOP को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कहा है कि कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें कहा है कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर नहीं हुआ है और उच्च स्तरीय समिति को लेकर भी अहम निर्देश दिया गया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो साफ कर दिया है कि पूरी तरह से जो शुचिता है वो प्रभावित नहीं हुई है। पहला पिछली बार भी आदेश में जो बात कही थी कि जो पूरा एक जिसको कहना चाहिए सिस्टमिक फेलियर नहीं है यहाँ पर और केवल हजारीबाग और पटना में ही गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, जो शुचिता थी पूरी परीक्षा की वो सैंक्टिटी ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रभावित हुई है। ये दो कारण बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इसी कारण हमने पिछले आदेश में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर नहीं किया था। एक, ये जो हाई पावर कमेटी है इसके बारे में खुद केंद्र ने कहा था कि वो इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाएगी ताकि वो भविष्य में ऐसी किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए उच्च दिशा निर्देश इस कमेटी से मिल सके। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी जिम्मेदारी इस कमेटी को दी है वो तो है ही। इसके अलावा कोर्ट ने खुद भी कहा है कि जब कोई इस तरह की परीक्षा होती है, खासतौर से नीट का हवाला देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र छपने से लेकर जो आंसर शीट्स हैं उनकी वो उनकी जांच होने तक जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि